मैम एक और मेरा बता छोलो बाबा नहीं अच्छा इसके हां मैम जिस बार में थैंक यू काफ़ी फ़ायदेमंद रहा ये तीसरा साल है जिसमें हम ये वर्ड टू स्क्रीन मार्केट कर रहे हैं दो पिछले दो सालों में काफ़ी चीज़ें काफ़ी बुक्स बिक चुकी हैं सीरीज़ के लिए और फिल्म्स के लिए जैसे कि इंदिरा जो बुक है सागरिका घोष का भुजिया बैरन्स जो भी जो अबंडंशिया ने पिकअप किया है तो और काफ़ी कॉन्वर्सेशंस बातचीत शुरू हो गई है प्रोड्यूसर्स और पब्लिशिंग हाउसेस के बीच में जो कि हमारा मकसद था कि हमें एक जगह बनाएं जहां ये दो इंडस्ट्रीज बात कर सकें और नया कंटेंट सामने आ सके जी अच्छे राइटर्स नहीं मिलते जी यही मकसद था क्योंकि यहां बनी बनाए इतने अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो कि हमने शॉर्ट लिस्ट बनाया और एक्चुअली एक लॉन्ग लिस्ट भी है यहाँ हम कुछ 36 टाइटल्स प्रेजेंट कर रहे हैं दो दिन में लेकिन इसके अलावा 174 बुक्स की लॉन्ग लिस्ट भी है जो कि काफ़ी हमें पसंद आई है और हमें लगता है इनमें पोटेंशियल है सिनेमा और सीरीज़ के लिए तो जी जी और इस साल इसी शिकायत को लेकर हमने चार एक्चुअली 10-8 नए लैंग्वेजेस इंडियन लैंग्वेजेस की हमने के बुक्स को परखा और चार नए लैंग्वेजेस के की लिटरेचर को हमने प्रेजेंट किया है तमिल बंगाली असमीज और मलयालम और होपफुली ये शिकायत के रीजनल लैंग्वेज की जो लिटरेचर है वो सिनेमा में नहीं आती है ये अब नहीं रहेगी लोगों की जैसे हमने सुना है कि 200 बुक मतलब स्टोरीज कलेक्ट की गई हैं आपने सब सुनी व्हाट व्हिच वन इज योर फेवरेट एंड यू थिंक एक्चुअली हम लोग फेवरेट नहीं चूज करना चाहते हमारी हमने दो लिस्ट बनाई हैं एक लिस्ट है मामी रेकमेंड्स और एक लिस्ट है पब्लिशर्स लिस्ट सो मामी रेकमेंड्स में जो 36 टाइटल्स हैं वो सारे हमारे फेवरेट्स हैं दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मामी रेकमेंड्स एंड अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे और उसकी पिचिंग भी हुई है अभी तो
जिसको जो पसंद आएगा वो उसमें से पिकअप कर सकता है, और जिसको पब्लिशर्स लिस्ट अच्छी लग रही है वो उनमें से चूज़ कर सकते हैं। और फिर पब्लिशिंग हाउसेज यहाँ पर हैं। हमारा लाइक किरण वो सेइंग कि हमारा मकसद ये है कि लोग आपस में बात करें और एक दूसरे को जानें, और फिर ये डायलॉग कैसे आगे बढ़ता है उसके लिए हमारी 3-4 साल के बाद ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दिस शुड बिकम अ यूजुअल थिंग, यू नो, कि नेचुरली लोग हमने ये एक ब्रिज बनाया है, वो आगे ले जाके लोग यूज़ कर सकते हैं पब्लिशिंग हाउसेस की बातचीत, यू नो, से संपर्क रखने के लिए। Villages people and now the you know very well about the Kerala floods and Kerala floods. Can we restrict this to word to screen, please? और किसी के बारे में बात मत करिए please. Also हम ये कहना चाहते हैं कि जो दोपहर को हम एक मार्केट बनाते हैं यहाँ, जहाँ लोग प्रोड्यूसर्स और पब्लिशिंग हाउसेस बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए किताबें बहुत इजीली ट्रांसलेट नहीं होती हैं फिल्म के लिए, इसके लिए आपको काफ़ी अडेप्टेशन में वक्त जाता है। तो ये आपको रिजल्ट्स हमें लगता है कि कुछ साल बाद नज़र आएंगे, जब ये बातचीत आगे बढ़ेंगे, अडेप्टेशन लिखे जाएंगे और पर्दे पे आएंगे। जब आप सोचते हैं कि ज़मानों से एक्चुअली किताबों का स्क्रीन पे दर्शाए गए हैं किताबें, लेकिन बहुत सालों से हमारे देश में हुआ नहीं है कि एक कोई इतिहास से स्क्रीन पे जो आया है, वो काफ़ी वक्त हो गया है कि आया है। तो ये एक हमारी कोशिश है कि हमें आई थिंक इसका जो फ़ायदा है कुछ साल बाद ही नज़र आएगा। जितने लोग काम कर रहे हैं इस पर, पहले तो थैंक यू कि आपने कहा कि हम सक्सेसफुल हैं, क्योंकि ये हमारी कोशिश जो 4 साल पहले शुरू हुई, ये धीरे धीरे हमें भी समझ आ रहा है कि एक हमारा एक एकेडमी है, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेजेस, ये एकेडमी को हम कैसे और मजबूत बना सकते हैं, कैसे शहर को एक 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 तरह से इकट्ठा ला सकते हैं सिनेमा के ज़रिए। तो इसका आई थिंक सक्सेस का हमें पता नहीं है, इट्स गुड, पर इसका आई थिंक फ़ायदा हमें धीरे धीरे नज़र आ रहा है। लोगों को सिनेमा से इतना प्यार है और दुनिया भर में इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं, इतने अच्छे टैलेंट्स नज़र सामने आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक ब्रिज बनना जो हमारा काम था वो हम कर पाए हैं धीरे धीरे, क्योंकि दुनिया भर में हम जाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि भारतीय सिनेमा क्या है, और हम उनको यहाँ लाते हैं और उल्टा हम अपनी फिल्में उनकी फिल्में यहाँ दिखाते हैं। तो एक जो हमारा काम था वो हम कर पाए हैं, शायद इसलिए हम कामयाब रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वॉक डू पारी, या वी आर डन, वी आर डन, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीवी नेक्स्ट बॉलीवुड।